नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उल्टी के लिए बेस्ट इंजेक्शन ओमिकाइंड या फिर ओंडेम इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली इस इंजेक्शन के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह है ओमिकाइंड इंजेक्शन और यह है आपका ओंडेम इंजेक्शन। दोनों का फार्मूला सेम होता है। ओंडेस्ट्रान इसमें फार्मूला जो होता है वो मिला होता है। इसमें ओंडेम 2 mg मिला हुआ है। ईच एम एल कंटेंट्स मीन्स 2 ml का एम्पुल है, तो इसमें जो है 4 mg ओंडेस्ट्रान मिला हुआ है। यही सेम फार्मूला आपका ओमिकाइंड में भी मिला हुआ है। देखिए, ओमिकाइंड ईच एम एल कंटेंट्स 2 mg, 2 ml का ये एम्पुल है। देखिए, मैनकाइंड कंपनी इसको बनाती है, और कोई भी इंजेक्शन आप लोग लगाने से पहले जो है एक्सपायरी अवश्य देखी जाती है। इसकी MRP जो है आपको 13 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। ओंडेम की MRP के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो ओंडेम की MRP भी वही सेम है। दोस्तों, ये एलकेम कंपनी जो है ओंडेम इंजेक्शन को बनाती है। एलकेम कंपनी का इंजेक्शन है, और ओमिकाइंड जो है ये मैनकाइंड कंपनी का इंजेक्शन है। दोनों मानी जानी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, तो दोनों इंजेक्शन बेस्ट रिजल्ट शो करते हैं। अब हम बात करते हैं किस क्लास से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, ओंडेस्ट्रान ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। दोस्तों, उल्टी के लिए काफ़ी बेस्ट मेडिसिन है, काफ़ी बेस्ट इंजेक्शन है। उल्टी हो रही है या फिर नौजिया फीलिंग हो रही है, मतली टाइप की हो रही है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मतली कई कारणों की वजह से हो सकती है, या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है, या फिर कीमोथेरेपी कोई चल रही है, कोई इंजेक्शन देने के बाद भी उल्टी हो सकती है, तो उस कंडीशन में जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ कीमोथेरेपी ऐसे होते हैं, उनको देने से पहले जो है ओंडेम इंजेक्शन को या फिर ओमिकाइंड इंजेक्शन को पेशेंट को दिया जाता है, ताकि जो है वो कीमोथेरेपी देने के बाद जो है पेशेंट को उल्टी या फिर ओमिटिंग, नाजिया फीलिंग ना हो, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी बेस्ट रिजल्ट शो करता है। हम बात करते हैं ये कितने देर में वर्क करता है। तो दोस्तों, इसको लगाने के बाद पेशेंट को करीब 25 से 30 मिनट आधे घंटे के आसपास पेशेंट को जो है रिस्पांस मिल जाता है, तो काफ़ी बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं इसको IM इस्तेमाल करना या फिर IV। दोस्तों, इसको IM IV दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि IM इस्तेमाल करना या फिर IV इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी इंजेक्शन हो या फिर कोई भी मेडिसिन हो, उसका डोज जो है पेशेंट के बॉडी वेट पे, उसके एज पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये एडल्ट पेशेंट के लिए डोज है, ये फुल इंजेक्शन जो है 2 ml का एम्पुल पेशेंट को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, या फिर स्टमक पेन हो सकता है, या फिर सर में चक्कर आ सकता है इसको लगाने के बाद, या फिर जिस एरिया में इंजेक्शन लगाया जा रहा है उस एरिया में स्वेलिंग हो सकती है। तो ये कॉमन कुछ साइड इफेक्ट हैं। जो साइड इफेक्ट अगर नज़र आ रहे हैं तो आप जो है डॉक्टर को तुरंत बताएं, और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप लोग डॉक्टर की देख रेख में ही करें। ये इंजेक्शन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन आप लोग खुद से इस्तेमाल ना करें। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।